I'm a producer, that is a booth. तो देखिए दोस्तों, अभी मैं रानी मस्तानी, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल पे। और मैं अभी आपको बना के छोटा मोटा ब्लॉग दिखाऊंगी। तो ये सुबह के समय है, मॉर्निंग के वक्त है, और मैं टिफ़िन बनाऊंगी बच्चे लोगों के। तो स्कूल में मैगी पास्ता, मेरी बेटी तो यही सब खाना मानती है, रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाना मानती। तो आज मैं भिंडी की सब फ्राई बनाऊँगी, और भिंडी को धो ली हूँ उसको फ्राई करके उसको बना के दूँगी। तो सोचती रहती हूँ सुबह क्या बनाऊँगा। और भिंडी का भी सब्ज़ी वो ऐसा ही नहीं खाएगी भिंडी का फ्राई, उसको चटपटा चाहिए। मतलब अगर इसमें पास्ता मसाला डालो या मैगी मसाला डालो या बोलेगी इसको चिल्ली बना दो, इस टाइप का बोलेगी, लेकिन सादा मांगेगी नहीं खाने के लिए। अब बहुत नौटंकी है, बहुत नाटक करती है, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। तो देखिए भिंडी का फ्राई, और मेरे हस्बैंड भी ले जाएंगे टिफ़िन, तो दोनों का एक साथ हो जाता है। तो अभी मैं एक सब्जी तो नहीं होगा, टिफ़िन भी ले जाएंगे, तो हमको और एक बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं फिलहाल आपको भिंडी का सब्ज़ी का, भिंडी का फ्राई के लिए भिंडी को काटना ज़रूरी है, तो भिंडी काट रही हूँ। और सुबह क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ सोचना पड़ जाता है बच्चे लोगों के लिए। रात को ही सोचते टाइम निकल जाता है कि क्या बनाएं उनके लिए, क्या खाएंगे। और मेरी बेटी बहुत नखड़ा करती है टिफ़िन ले जाने के समय, इतना नखड़ा करती। कभी कभी मैं नहीं बनाऊंगी ना, मैं कभी रोटी सब्जी बना दूँ, समझ में आ जाएगा मम्मी आज ये नाश्ता बनाएगी और ये टिफ़िन बनाएगी, तो क्या करती है अपने से आएगी किचन में और अपने से आके खाना बनाएगी। किचन में हमेशा अपने से आएगी, और हमें जब उठ के देखती हूँ मेरी बेटी पास्ता बनाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रानी मस्तानी, और फिर कैसे हो आप सभी लोग, गुड मॉर्निंग आप सभी का हमारे चैनल पे। और देखिए मैं एक और कलर की साड़ी पहन के आई हूँ, ब्लू कलर की साड़ी है। ब्लू कलर मुझे बहुत पसंद है, और इसमें पिंक कलर का काम किया गया है साड़ी में, आप देख सकते हो पिंक कलर का काम है इस साड़ी में। और इसका लुक थोड़ा बहुत इस तरह से है ना, देखिए इस तरह से साड़ी पहन रही है। और एक गोल्डन का काम किया गया था, मैं गोल्डन कलर की मैं इसको मतलब ब्लाउज पहनी हूँ, और अगर ब्लू कलर भी हम पहन सकते हैं इसमें। तो देख रहे हैं साड़ी, और यहाँ टीवी चल रहा था। उसको थोड़ा सा म्यूट क्यों नहीं, तो कॉपीराइट को स्ट्राइक आ सकता है, तो उसको म्यूट क्यों साउंड को, वोट सुख जा रहे हैं मेरे। और इसमें एक कान का ही पहनी हूँ, सिंपल सा घर में हूँ। तो दो दिन से मैं नहीं डाली थी वीडियो, तभी ठीक नहीं रहता है, अभी काम भी बहुत है इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। और इसका लुक इस तरह से दिखेगा साड़ी का। और मैं किचन में आ गई हूँ, देखिए मैं लिपस्टिक लगाऊंगी इसमें, थोड़ा वाइट कलर की भी लिपस्टिक लगाएंगी, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ग्लेज चमक रहा होगा, और इसमें थोड़ा सा वाइट कलर का भी ऊपर लिपस्टिक लगाएंगी सुंदर दिखने के लिए। और मैं किचन में आई हूँ ऐसे सिंपल सा, छोटा मोटा काम करूँगी अभी, सब्जी बनाऊँगी। और मैं सुबह सबको नाश्ता वास्ता सबको दे दी हूँ, सब खाओ के चले गए हैं। लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, पोस्तों देखे, खसखस देखे, लौकी की सब्ज़ी, रोटी और मैगी बनाई थी बच्चे लोगों के लिए। और अभी मैं चावल दाल बैठा रही हूँ,
और कुछ बैगन है, भिंडी है, कोई भी फ्राई कर दूंगी, पापड़ तल दूंगी, तो हो जाएगा सबके लिए टिफिन। और साड़ी पहन के मैं काम नहीं करती हूँ, वीडियो बनाना था बोल के मैं साड़ी पहनी हूँ, मैं सूट ही पहनती हूँ अधिकतर, साड़ी वाड़ी बहुत कम पहनती हूँ, कहीं फंक्शन वंक्शन होता है तभी पहनती हूँ। वीडियो बनाने के लिए मैंने साड़ी का इस्तेमाल किया है दोस्तों। तो चलिए मैं साड़ी को, साड़ी आपको दिखाऊंगी कैसे लग रहा है। दोस्तों आज मैं आपके साथ हैंकी शेयर कर हैंकी टैग करूंगी। तो देखिए आज मैं दूसरा हैंकी लेकर आई हूँ और ये आपके साथ टैग करूंगी। तो ये छोटा सा हैंकी, हैंकी बहुत प्यारा सा हैंकी आप देख सकते हो इस हैंकी को। और इस तरह से भी इस तरह ऐसे रख के भी आप कभी काम कर रहे हो, हल्का सा इस तरह से रख के भी आप इसको काम कर सकते हैं। देखिए और इसका डिजाइन भी पूरा आपको दिखेगा, फिर दिखेगा। और इसको हम इस तरह से फोल्ड करके, इस तरह से फोल्ड करके भी इसको इस तरह बीच में इसको हम टच कर सकते हैं। तो साड़ी में कुछ नया दिखाना चाहिए ना, इसको ये टच करके दिखा रही थी। और मैं देखो साड़ी को मैं बहुत टाइट से साड़ी पहनती, साड़ी कैसे मैं पहनती हूँ आपको बताती हूँ। मैं क्रीम लगाई हुई हूँ जो कि देखिए इस साड़ी जैसे मैं पहन रही हूँ साड़ी, मतलब ये थोड़ा सा सिल्क साड़ी ऊपर ऊपर होता है, तो इसको क्या करना है इससे अच्छी तरह से ऐसे उसको पकड़ लेंगे, फिर हम उसको टाइट करके अंदर करके इसको हम ऐसे कर लेंगे। इसको हम इसको अभी ये साड़ी हमारा टाइट हुआ है, साड़ी उनसे निकले भी नहीं और देखने में भी सुंदर है। इस तरह से मैं गाड़ी पहन देख सकते हैं, इस तरह जो बुक है तभी मैं दिखाऊंगी कि साड़ी किस तरह से पहनी पहनी जाती है। एक बार मैं आपको दिखाऊंगी कि साड़ी को टाइट कैसे किया जाता है। इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी दीजिए। अगर देखना चाहते हैं अच्छे अच्छे साड़ी ऐसा ट्राई करते हैं तो आप जरूर दीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बहुत सिंपल से साड़ी है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली जरूर लगा है वो साड़ी है और इसमें जरूर है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं जब भी मेरे पास साड़ी और इस तरह से जरूर मिलती है, आपको जैसे जिस टाइप की जरूर मिलती है आप उसे खरीदिए और साड़ी में आप टेलर को देख के सिला सकते हैं। और इसमें लंबे लंबे हैंड भी इस साड़ी में पेन साड़ी में अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैं आज बहुत थक गई हूँ पूरा काम करके, क्योंकि अभी मेरे ससुर का बरसी होने वाला है 17 तारीख को, और आपको पता है कि वो साफ़ सफाई करना पड़ता है, घर में चूना होना होता है, कपड़ा वपड़ा जितना पर्दा होता है सबको धोना पड़ता है, बहुत सारे काम रखे हैं। तो दिन पर दिन समय नज़दीक आते जा रहा है, तो काम हो रहा है, काम कर रहे हैं, सफाई चल रहा है हमारा।
और रात के समय ही है। अभी मैं सोचूं क्या बनाऊं सबके लिए, क्या रोटी सब्जी क्या क्या खाएंगे, एकदम बनाने का मन नहीं करता, लेकिन बनाना तो पड़ेगा, रोटी सब्जी बना।